नमस्कार दोस्तों, ड्रैगन एक बहुत ही बड़ा सांप के जैसा चार पैरों वाला रहस्यमय जीव है जिसका जिक्र कहानी के सौ में मिलता है। पूरी दुनिया की संस्कृतियों के साहित्य में हमें ड्रैगन का जिक्र मिलता है। अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग प्रकार के ड्रैगन के बारे में लिखा गया है। वेस्टर्न कल्चर की प्राचीन किताबों में ड्रैगन को एक आग उगलने वाला और उड़ने वाले जानवर की तरह दिखाया गया है जिसके चार पैर और सींग होते हैं। कहानी किस्सों में ड्रैगन को बहुत ही खतरनाक बताया जाता है जो कि गुफा में रहता है और काफ़ी लंबे समय तक नींद में रहता है। यह अपने मुंह से भयानक आग की लपटें निकालता है और उड़ते हुए यह भी आग की लपटों से लोगों को और घरों को जला देता है। तो आइए जानते हैं इसी आग उगलने वाले रहस्यमय जानवर के बारे में। आसमान में काले बादल छाए हैं, लेकिन पलक झपकते ही काले बादलों को चीरते हुए एक भयानक सा जीव दिखाई देता है। We see on TV in shows like Game of Thrones or Dragon Ball Z, but we're absolutely sure that such fire-breathing, majestic beasts are just fantasy, right? But, well, what if they're not? What if high up in the mountains, deep in the misty clouds, soaring over us with their leathery wings and watching us from above, dragons are among us and just waiting to be spotted by adventurous souls? पूर्वी देशों जैसे चीन और जापान के कल्चर में ड्रैगन का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। इन देशों के कल्चर में ड्रैगन को इंसानों से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है और चीन और जापान के ड्रैगन उड़ते नहीं हैं। इन देशों के कहानी किस्सों में ड्रैगन को चार पैरों वाले और बिना पंखों वाले जानवर के रूप में दर्शाया जाता है। चीन में ड्रैगन से जुड़ी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। साल 2016 में एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें चीन की पहाड़ियों में ड्रैगन को उड़ते देखा गया था। चीन को लैंड ऑफ रेड ड्रैगन कहा जाता है, फिर भी लोगों ने कभी अपनी आंखों से इन ड्रैगनों को नहीं देखा है। लेकिन चीन में वायरल हुए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पहाड़ों के बीच एक ड्रैगन उड़ रहा है। लाओस के बॉर्डर के पास बनी इस वीडियो की एपेक्स टीवी की ओर से यूट्यूब पर अपलोड किया गया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर ड्रैगन के वजूद पर चर्चा शुरू हो गई थी, लेकिन इस वीडियो पर भी सवाल खड़े हो रहे थे क्योंकि इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ड्रैगन का रेजोल्यूशन बहुत शार्प है, जबकि चारों ओर पहाड़ धुंधले दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा माना गया था कि इस वीडियो को एडिट किया गया है। वीडियो आने के बाद तेजी से सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा था। इस रहस्यमय जीव ड्रैगन के सबसे पहले जो उदाहरण हमें मिलते हैं उसमें केवल इसे एक बड़े सांप के रूप में दिखाया गया है। जैसे कि प्राचीन मेसोपोटामिया की सभ्यता और मूर्तिकला में इस प्रकार के ड्रैगन दिखाए गए हैं। मिथ कथाओं के अनुसार राजकुमारों और देवताओं को ड्रैगन का वध करते हुए दिखाया जाता है। ड्रैगन के किस्सों में अक्सर यह दिखाया जाता है कि एक विशालकाय भयानक ड्रैगन किसी गुफा में रहता था, काफी लंबे समय तक नींद में रहता है। इस गुफा में बहुत बड़ा खजाना होता है जिसकी ड्रैगन रक्षा करता है। 20वीं सेंचुरी और आज के समय में भी हमें फंतासी की किताबों पर इन आधारित फिल्मों में ड्रैगन को दिखाया जाता है। J.R.R. टॉकिन की द हॉबिट और J.K. रोलिंग की हैरी पॉटर सीरीज और जॉर्ज R.R. मार्टिन की ए सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर में भी ड्रैगन के बारे में ही बताया गया है। अब सवाल उठता है कि क्या आज के समय में भी ड्रैगन वास्तव में होते हैं या अतीत काल में क्या पृथ्वी पर ड्रैगन पाए जाते थे जिस प्रकार डायनासोर पाए जाते। इसका जवाब है कि पृथ्वी पर ना तो आज ड्रैगन पाए जाते हैं ना ही अतीत काल में कभी इस प्रकार के जानवर पाए जाते थे। ड्रैगन एक काल्पनिक जीव है, जैसे कि दूसरे काल्पनिक जीव यूनिकॉर्न और पेगासस हैं। किस्से और कहानियों में ही ड्रैगन मौजूद हैं। माइथोलॉजी इस तरह के काल्पनिक जीवों से भरी पड़ी है। हर देश की अपनी एक अलग माइथोलॉजी डेवलप हुई, इसमें अलग अलग प्रकार के प्रतीक गढ़े गए। आग उगलने वाला ड्रैगन भी उसी का एक हिस्सा है। अब सवाल उठता है कि ड्रैगन्स की कल्पना क्यों की गई। वास्तव में आज से कुछ वर्ष पूर्व ही मनुष्य का ज्ञान इतना सीमित था कि वह नहीं जानता था कि पृथ्वी कितनी बड़ी है और इस पर कितने प्रकार के जीव पाए जाते हैं। आज से 500 वर्ष पूर्व लोग नहीं जानते थे कि दुनिया में कितने देश हैं और कहां कहां बसे हुए हैं। वे नहीं जानते थे कि समुद्र पार क्या है या समुद्र के अंदर क्या है। ऐसी स्थिति में उन्होंने कल्पना का सहारा लिया और अंदाजा लगाया कि पृथ्वी के घने जंगलों और गुफाओं में खतरनाक प्राणी होते होंगे। इसी के आग उगलने वाले ड्रैगन के बारे में सारी मिथकों का जन्म हुआ। ड्रैगन का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि जहां एक ओर हमें करोड़ों साल पहले नष्ट हुए जीवों और डायनासोरों के स्पष्ट प्रमाण मिल गए हैं, जबकि ड्रैगन के होने का आज तक एक भी प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ड्रैगन एक काल्पनिक मिथकीय जीव है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।